जी और ये भी दिल्ली से है, सब बाहर से आए हुए हम लोग यहाँ। हम सबका एक ना एक सपना होता है और आज आपका ये सपना देख के दिल खुश हो गया। ऑल द बेस्ट। एंड रही बात दोस्ती की, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। दोस्ती, जब मैं कोई 17-18 साल का हुआ था तो माई फादर से वन वर्ड कि नाउ योर फ्रेंड। वो 17-18 साल किसके पहले हुए थे आप वो बताइए सर। उनके साथ में ड्राइव कर रहा था, वो बहुत स्लो गाड़ी चलाते थे, तो जब जा रहे थे तो एक आदमी साइकिल पे जाता हुआ गाली लेके चला गया। मैंने पापा को बोला जरा आगे उतार दो मेरे को, एक सीधी मेरा कुछ काम याद आ गया। वो उतार के चले गए, साइकिल वाला जब आया मैंने उसे डंडे से करा मारा एज अ दोस्त बन के। तो वो दोस्ती थी हम दोनों की, तो स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी और आज तक मैं निभा रहा हूँ आपसे। ये बात तो हम गवाह हैं कि आपको फिल्मों में कैरेक्टर भी वैसे ही दिए जाते हैं। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, चिला गाजियाबाद, नाउ दबंग 3। यस, बेस्ट ऑफ लक मिस्टर योगी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। श्री को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। देखिए, चाहे वो एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, ये तो पैशन है और जब तक ये पैशन नहीं होगा इस बड़े शहर में, इस मुंबई नगरी में आके एक्टर बनना या प्रोड्यूसर बनना या डायरेक्टर बनना, ये इतना आसान नहीं है। तो मैं इनकी पूरी टीम को और जितने भी यारी जिंदाबाद में जिन लोगों ने भी काम किया, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और बड़ी खूबसूरत फिल्म है, जैसा कि अभी ट्रेलर देखा, लोकेशन बड़े अच्छे हैं, कलाकार सब मजे हुए हैं और न्यू कॉमर्स जितने भी हैं और जिन लोगों ने भी इतनी मेहनत की है, मैं इसके लिए बहुत मुबारकबाद दूंगा। और ख़ास करके पार्थो घोष जी जो हैं बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं, बहुत सुलझे हुए हैं और बहुत एक्सपीरियंस उनका अच्छा रहा, बहुत अच्छी हिट फिल्में दी उन्होंने अपने ज़माने में। तो ये भी इंशाल्लाह ये फिल्म भी मुझे लगता है कि हिट होगी, ऐसी दुआएँ मेरी हैं इस फिल्म के लिए इंशाल्लाह। मैं अपने फिल्म के जितने भी एक्टर हैं उनको इनवाइट करूंगा, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। देव, राहुल, साक्षी, सभ्य एंड आशीष ऑल्सो। नो नो, यू स्टैंड हियर। तो फाइनली आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करना है हमारे एक्टर से, फाइट करेंगे। अच्छा, यहाँ से नहीं। तो फाइनली हमारे बीच में हमारे दो तीन दोस्त जो आए हुए हैं, आप इस बारे में बताएंगे आशीष जी कि जो हमारे दोस्त आए हुए हैं उनको हम सम्मानित करना चाहते हैं। हेलो, विनय गुप्ता जी, मुन्ना भैया, कमल भैया और नितिन गुप्ता, प्लीज स्टेज पे। प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं श्रुति भाभी से बोलूंगा प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड मम्मी भी स्टेज पे आ जाए। बेसिकली ये जो दोस्ती जिंदाबाद है, वो ये चार जो दोस्त हैं आशीष भैया के, विनय भैया, कमल भैया और विक्की भैया, हाँ, तो इनके ऊपर इन्होंने, ये इन लोगों ने अपने टाइम में जो भी किया हो वो स्टोरी इन्होंने इसमें दिखा दी है। यही आई थिंक ऐसे ही कुछ होगा। एलिस जी प्लीज इधर आइए। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे कमल भैया से स्टार्ट किया जाए। हम ये सीतापुर से आए हुए हैं और ख़ास करके ये यहाँ पर ट्रेलर लॉन्च करने के लिए आए हुए हैं। तो भाई मैं इसका किस्सा बताता हूँ, एक मिनट लगेगा।
2016 में मैं एडमिट हो गया था। मैंने कहानी सोची था, 2016 में मैं एडमिट हो गया था, तब मैंने ये कहानी सोची थी और उसके बाद मैं इस कहानी को शक्ल दी है सुहेल मुस्कान ने, और उसके बाद हमने आगे बढ़े धीरे धीरे और माधो जी मेरे यूनिट तैयार हुई और हम लोगों ने उनको शुरू किया। मतलब 2016 में तो मैं बीमार रहा था, उसके बाद तो मैंने कहानी सोची थी। अच्छा, 7 दिन बहुत परेशान हुआ। इतना समय लगा इस सर सेंटर कंप्लीट होने में? एक साथ पोस्ट और डॉक्टर एक साथ। मैम वही टाइम मिलता है और उसी समय एक कंसेप्ट बना था और इस पर हम लोग वर्क करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे एलिमेंट जॉइंट करते आपके सामने। तो आगे चल के इस फिल्म का सफल होना कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए? हर फिल्म हर मूवी प्रोड्यूसर के लिए मान्य क्योंकि मूवी बनाता है बाय बस बहुत जल्दी कुछ रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू, थैंक यू। बेसिकली ये फिल्म 8 तारीख को रिलीज हो रही है और जो एक मध्यम वर्ग की रिलीज होती है उसको हमने वैसे कैटेगराइज किया है। पहले 300 सिनेमा से इसको ओपन कर रहे हैं ऑल इंडिया में और कुछ पार्ट हम इसका ओवरसीज में भी रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो होप सो आप लोगों को मज़ा आएगा। अभी कल इसका ट्रेलर हमने जो है इसका मिड डे अवार्ड में एक छोटा सा ट्रेलर इसका लॉन्च किया है, तो वहाँ पे आशीष जी को जो अवार्ड मिला है इस फिल्म के लिए कि फर्स्ट डेब्यू अवार्ड मिला है। और मुझे इस फिल्म तो नहीं बोलेंगे लेकिन बिग कर्टन्स में आज तक मैंने 50+ फिल्में रिलीज़ की हैं इंडिया एंड ओवरसीज में, तो मिड डे ने भी मुझे अवार्ड से नवाजा है। तो थैंक यू मिड डे एंड शोबिज़ अवार्ड जो 2019 का दिया है। बाकी और यार ये 3 दोस्तों की कहानी है। अगर बात करें फिल्म के बारे में तो ऐसा समझ लीजिए कि कॉलेज के पहले की और कॉलेज के बाद की जो लाइफ होती है उसको एक साथ दिखाने की कोशिश की है। और हमेशा आपने सुना होगा कि आपको सब कुछ मिला लेकिन अच्छे दोस्त नहीं, तो हम लोगों ने वही दिखाने की कोशिश की। अगर आपको कभी अच्छे दोस्त मिले हैं तो उन्हें छोड़िए, अगर छोड़ दिया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि लाइफ में आपसे सोच नहीं रहेगी। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो चाहे वो निकम्मे हो चाहे नकारा दोस्त हो वही आगे आपके हेल्प करते हैं। हाँ, बेसिकली इसमें यही दिखाया गया है कि 3 दोस्त हैं जिनकी जर्नी हम आपको दिखाने वाले हैं अलग अलग तरीके से। बाद में जो लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होंगी उन सबको एक साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। उसी तरह से फिल्म के लिए ये कहना चाहेंगे कि 8 नवंबर को फिल्म आ रही है हमारी, तो आप सबको जाके देखनी क्योंकि हम सबकी लाइफ में दोस्त होते हैं और दोस्त कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप सब दोस्त हैं और आप लोगों की कुछ स्टोरीज होंगी तो शायद आप लोगों को अपना आप अपने आप को अपनी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ छलकेगा पर्दे के ऊपर जब आप देखने के लिए और रिलेट करेंगे हर एक सीन से कि यार हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे तो मस्ती करते हैं, ऐसे तो हेल्प करते हैं। इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप। और क्या होता है कि जब दोस्ती सच्ची होती है तो हम हद नहीं देखते कि यहाँ तक हम हेल्प कर पाएंगे, मतलब जान देने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बस उसी तरीके से हम लोगों ने दोस्ती जिंदाबाद को बनाया और आप लोगों को सबको अच्छा लगेगा। दोस्ती के बारे में कई फिल्में बन चुकी है, फ्रेंडशिप के ऊपर कई फिल्में बन चुकी है, फिलहाल मेरी भी बन चुकी है, इसमें क्या खास बात होगी जो लोग इसमें? सबसे खास बात तो ये थी कि पार्थ दादा का एक बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था हमको कि तुम लोग हीरो या मॉडल नहीं दिखने चाहिए, बी लाइक नॉर्मल का है। तो हम इस फिल्म के अंदर आपने जो ट्रेलर देखा उसमें हम लोग ऐसे कुछ हेयर स्टाइल अच्छा सा बना के या कुछ ऐसे नहीं, बिल्कुल रियल लाइफ जैसे हम लोग लेते हैं, शर्ट पहना, पैंट पहना और नॉर्मल, तो एक बहुत ही रियलिस्टिक आपको कैरेक्टर नजर आएंगे। यहाँ से डिनर स्टार्ट हो गया है, प्लीज आप लोग खाना खा के जाइए। यार बाइट चल रहा है।
थोड़ा सा ये जान के कि मूवी 18 तारीख को रिलीज हो रही है, मुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ नवंबर तक। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। नर्वस भी है? बिल्कुल भी नहीं नर्वस, थोड़ा सा नहीं। बट मिलने के लिए आप कुछ चिप्स से लगा आई हूं। तो मैंने पूछा ना आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका करने का और आपकी फ्रेंडशिप लाइफ कैसी रही है, पर्सनल लाइफ में किस तरह से? मूवी के दौरान दोबारा मिली, सबके साथ बहुत अच्छी रहती थी, बहुत अच्छा था। और फिल्म का शूट कैसे शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ, स्टार्ट टू एंड एकदम पता ही नहीं चला। आई थिंक वाज गुड, ट्रेलर तो आप सब लोगों ने देख लिया है। फिल्म को लेके कितना एक्सपेक्टेशन है आपकी? एक्सपेक्टेशन तो अपनी प्रोजेक्ट को लेकर सब कुछ है, ऑडियंस को कितनी पसंद आती है वो मैं नहीं बता सकती, वो ऑडियंस बताएगी। ऑडियंस मूवी भी जब रिलीज होगी उसके बाद ऑडियंस बताएगी कि नहीं कैसे रिलीज होगी। एक दूसरे से काम करने से अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा। और जैसे दोस्त आपस में रहते हैं, हम लोग पहले से जानते थे, यारी दोस्ती मस्ती करते करते हमने पूरी फिल्म की और अच्छा एक्सपीरियंस था। जब आप ऑलरेडी किसी को जानते हैं तो उनके साथ काम करने में बहुत ईज हो जाता है, कि आप थोड़ा मजाक भी कर सकते हैं, थोड़ा गुस्सा भी हो सकते हैं, थोड़ा समझा भी सकते हैं। हालांकि जब कभी ऐसा होता है कि एक नए एक्टर आपस में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हमने कोई सजेशन दे दिया या उन्होंने दिया तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को टाइम टाइम पर बता कर सकते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, देव को इसको ऐसे कर ले, साक्षी को इसको ऐसे कर ले, तो ऐसे मिल बांट के जब काम करते हैं तो अच्छा बनता है। I would just like to say, it's a all in all great experience working with these people. They are more a family than just work. मेरे हिसाब से इनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक फिल्म में एक सिर्फ एक इंसान की नहीं होती है, ये पूरे ग्रुप की होती है, इवन आपकी होती है। आप सब अपना एफर्ट डालते हैं और हमारा बाइक लेते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप खड़े हैं कैमरा लेके, एवरी वन हैज़ का अपना एक योगदान होता है। तो मेरे हिसाब से अगर एक फिल्म सक्सेस होती है, एक होती है फ्लॉप होती है, आई थिंक उसका असर कहीं ना कहीं हम सब पर पड़ता है। एज अ प्रोड्यूसर हम बस ये चाहते हैं कि हम प्रॉफिट हो सब हो, बट मेरे लिए आई थिंक ये मूवी पसंद आए, यही हमारा मोटिव है। और हम आगे काम करें, आगे आपको ऐसे ही एंटरटेन करें, आगे आपके साथ जुड़े रहें, दैट्स ऑल वी वांट। कुछ ऐसा कुछ बात कहना चाहेंगे आप लोगों को जिसके लिए वो फिल्म देखना चाहते हैं? देखिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर फिल्म प्रमोशन में हर आर्टिस्ट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हर आर्टिस्ट कहता है ये हमारी फिल्म हटके है, अलग है। मैं थोड़ा अलग बोलता हूँ कि हमारी फिल्म हटके नहीं है, अलग नहीं है, लेकिन अब तक आपने अपनी लाइफ में जिस भी तरह की मस्ती, यारी, दोस्ती एक्सपीरियंस की है उसका एक मिक्सचर है जो आपको देख के अपना पास्ट अपना फ्यूचर याद आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार कितना अच्छा फील होता है। और शायद आप लोग सब मूवी थिएटर से बाहर निकलेंगे और अपने दोस्तों को कॉल करके बोलेंगे यार कमाल है यार, काफ़ी दिनों में मिले हुए, आज मेरा मिलते हैं ज़रा चाय वाय पीते हैं। तो बेसिकली सबको साथ लाने के लिए, वेदरनेस के लिए क्रिएटर्स आर्टिस्ट होते हैं। आई वुड जस्ट लाइक टू टेल दैट दिस पोस्टर आर्टिस्ट इज नॉट ओनली माई वेरी गुड फ्रेंड बट ही इज ऑल्सो वेरी गुड पर्सन बाय हार्ट। उन्होंने एक ही सब लोग पोस्टर्स बनाए। आई जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू नेम इज विष्णु नाम है। वो यहाँ है, वेरी सिंपल मैन, सिंपल कपड़े, सिंपल पर्सनैलिटी। ही इज माई गुड फ्रेंड एंड डेफिनेटली एक नहीं कई पोस्टर्स के पीछे इनका और रमन राघव और बहुत सारी अंकित शर्मा की दुनिया के पूरा माहौल बहुत I'm giving you money. You don't need that. We're a typical family.
Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.